हाय फ्रेंड्स, आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आप सबको बधाई देती हूँ। आज मैं मोहन थाल की प्रसाद बनाने वाली हूँ और आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आइए इसे कैसे बनाते हैं और इसके लिए क्या चाहिए हम सब देख लेते हैं। 200 ग्राम बेसन, जायफल, जावित्री और इलाच, घर का माखन, शुगर 150 ग्राम, घी 1 कप। अभी इस बेसन को एक बाउल में ले लीजिए और इसमें घी को गरम करके 3 चम्मच घी ऐड कर दीजिए और उसके साथ दूध को गरम करके 1 से 2 चम्मच थोड़ा गुनगुना गरम दूध उसमें ऐड कीजिए। मोहन का थाल बनाने के लिए ये जो फर्स्ट स्टेज है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को ये जो बेसन है, सबसे पहले बेसन को आपको मोटे बेसन लेना है तो ज़्यादा अच्छा होता है मोहन थाल। आपको दानादार टेक्सचर बनाना है, इसको आप दोनों हाथ से हल्के हाथ से रब करके ये बेसन को ऐसे दानादार टेक्सचर बनाना है। ज़्यादा प्रेस करोगे तो ये ऐसे खुला खुला नहीं रहेगा, एक साथ चुपक जाएगा, इसको खुला रहना बहुत ही जरूरी है। अब इस बेसन को हम लोग एक छालनी से छान लेंगे और मोटे मोटे जितना दाना रह जाएंगे उसको फिर से हल्के हाथों से हम लोग मसल लेंगे, फिर से स्मूथ हो जाएंगे और फिर से छान लेंगे। लास्ट में जितना पड़ा रहेंगे फ्रेंड्स वो हम लोग नहीं लेंगे। देखिए इसको हम लोग हटा देते हैं। बेसन की बर्फी बनाने के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसे ही दानादार टेक्सचर वाला बेसन चाहिए। ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्टेप थोड़ा आराम से करें तो ये हमारा बेसन का बर्फी बहुत ही अच्छा होता है। अब फ्राई पैन में घी को ऐड कीजिए। घी गरम होने के बाद ही हम लोग दानादार टेक्सचर वाला बेसन को ऐड करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिए बेसन का बर्फी बनाने के लिए हमेशा के लिए गैस का आंच को लो में रखना है। लो में रखेंगे तो ही हमारा बर्फी बहुत ही अच्छा होएगा, बिल्कुल नहीं जलेंगे। थोड़ा सा भी आंच ज़्यादा हो जाता है तो बर्फी जल जाता है, बर्फी जल जाता है मतलब बेसन जल जाता है और उसमें बर्फी अच्छी नहीं होता है। अब बेसन को कंटिन्यूसली ऐसे चलाते जाइए, मतलब हाथों का एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करना है तो ही हमारा मोहन थाल एकदम बढ़िया हो जाएगा फ्रेंड। करीबन 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर आपका एक बढ़िया खुशबू आना चालू हो जाएगा और आप लोग खुद ही देखेंगे जे बेसन धीरे धीरे घी छोड़ना चालू कर दिया और आपका मतलब जो चम्मच से आप हिलाते जा रहा है उस चम्मच में अब नहीं लगने वाला है, एकदम अलग अलग करके उसका मतलब ये देखिए कैसे हो गया, जो हमारा स्पून में नहीं लग रहा है, इसका घी छोड़ना चालू हो गया। अब इसमें हम लोग जो घर का फ्रेश मलाई उठा के रखा था उस मलाई को ऐड करेंगे और बहुत ही अच्छे से हाथों का एक्सरसाइज करेंगे। हाथों का एक्सरसाइज करते करते फ्रेंड्स तब तक हम लोग एक बावल में करीबन 70 ml पानी लेना है और हम लोग जो 150 ग्राम शुगर लिया था उस शुगर को डाल के एक चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए कोई एक तर दो तर का जरूरत नहीं है, सिर्फ शुगर पिघलना जरूरी है। किचन में घी छोड़ दिया तो हम लोग गैस बंद करके इसको कंटिन्यू हिलाते जाएंगे, क्योंकि कढ़ाई इतना गर्म रहता है तो बेसन नीचे से जल जाएंगे। शुगर को पिघलने के बाद हम लोग जो जायफल, जावित्री और इलाच को लिया था वो शुगर के साथ पीस लिया था, अभी
उसी को हम लोग इस सीरा में ऐड कर देंगे और बहुत ही अच्छे तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब चाशनी तैयार है। अभी इसी चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बेसन में ऐड करेंगे और बेसन के साथ मिलाते जाएंगे। एक साथ पूरा नहीं डालना है फ्रेंड्स, जितना ज़रूरत है आप ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए और ऐसे थोड़ा थोड़ा उसको मिक्स करते जाइए। मैंने इधर पूरा ही मिक्स किया, करीबन एक चम्मच जैसे मतलब सीरप रह गया, उसको और ज़रूरत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अब हम लोग इसका बर्फी जमाने के लिए एक थाली में थोड़ा ऑयल लगा लेता है। घी मत लगाइए फ्रेंड्स, क्योंकि घी जम जाता है तो उसमें चिपक जाता है, इसलिए ऑयल लगा के हम लोग थाली को रेडी कर लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग बेसन को कंटिन्यू हिलाते रहेंगे कि उसका पानी सूख जाए। अभी बेसन को इसी थाली में हम लोग ले लेंगे और उसको बहुत ही अच्छे तरह से सेट कर लेंगे। वो अपने हिसाब से आप लोग सेट कर लीजिए। जैसे मैंने इधर पूजा के लिए बनाया तो फिर ऐसे पूजा के छोटे थाली में सेट कर लिया। आप लोग चाहे तो थोड़ा ठंडा होने के बाद भी इसको मोदक का भी सेट दे सकता है, मोदक का छाछ में देने के बाद। आप लोग देखिए कैसे इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ और बहुत ही बढ़िया दानादार जैसे हुए। मतलब हमारा मोहन थाल बेसन का बर्फी जिसको बोलता है, बहुत ही अच्छे बना हुआ है। आप हम लोग इसको सेट करके करीबन 2 घंटा नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है। बेसन के सेट करने के बाद हम लोग जो ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, किशमिश और काजू लंबे लंबे करके काट के रखा था, आप लोग अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट्स दे सकता है। मैंने इधर बादाम, काजू और किशमिश ही दिया है। थोड़ा उसके ऊपर देने के बाद हाथ से थोड़ा प्रेस कर देना। प्रेस कर दिया तो उसके अंदर पूरा सेट हो जाता है। अब देखिए पूरा बेसन का बर्फी एकदम तैयार हो गया है। जस्ट इसको 2 घंटा चाहिए सेट होने के लिए। फ्रेंड्स, ऐसे आप लोग लड्डू व मोदक का सेट देके भी 2 घंटे रख देंगे सेट करने के लिए, तो ही वो मोदक नहीं तो लड्डू तैयार हो जाएगा। आफ्टर 2 घंटे के बाद फ्रेंड्स देखिए हमारा मोहन थाल बिल्कुल तैयार हो गया है और सेट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ। अभी हम लोग इसको काट के आपको दिखाती हूँ कि हमारा मोहन थाल कैसे बना। फ्रेंड्स, अभी गणपति जी का 9 दिन का वास हो गया, लेकिन इस बार हम लोग पैंडमिक की वजह से धूमधाम से नहीं मना रहे, लेकिन सबके घर में तो पूजा होता ही है, तो हम लोग घर में भी ऐसे हर रोज अलग अलग तरीके से गणपति जी के लिए प्रसाद बना सकते हैं। अभी हम लोग ये मोहन थाल काट रहे हैं, आप देखिए कैसे टाइट हो गया है और इसका पूरा शेप भी बराबर आ भी रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोगों को अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए आप लोग घर में बनाने के बाद आप लोगों का मोहन थाल कैसे हुआ। और मेरा जितना भी न्यू फ्रेंड्स है, आप सब लोग मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा बर्फी बेसन का कैसे हुआ, बढ़िया है ना, अच्छे लग रहे हैं। अब देखिए इसको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये अंदर से कैसे दानादार और एकदम मुंह में देने में भूल जाने वाला मोहन थाल बना है। देख लीजिए, आप लोग भी इसको घर में बनाइए। आह, मुझे तो देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी।